किचन पे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ेनोबॉट्स। तो ज़ेनोबॉट्स एक टाइप के बायोलॉजिकल रोबोट्स होते हैं जो हम लोग टिश्यू से बनाए हुए होते हैं। तो ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए थे 2020 में। तो इन्हें हम बेस्ट ही जानते हैं फास्ट रिप्रोडक्टिव रोबोट्स के नाम से, क्योंकि ये रोबोट्स रिप्रोड्यूस कर सकते थे। आप हम लोग ये जान लेते हैं कि रोबोट है, रोबोट मतलब कि मैन मेड है, तो ये बनाया कैसे जाता है। जैसे हम लोग बनाते हैं फ्रॉग के स्केल से, और ये फ्रॉग का एक एवोल्यूशनरी है। अगर चाहे देखोगे अफ्रीकन फ्रॉग का तो आपको नाम मिलेगा ज़ेनोपस फ्रॉग। अब ज़ेनोपस से आ गया ज़ेनो और बॉट रोबोट से आ गया बॉट ज़ेनोबॉट। तो ऐसे ही इसे अपना नाम मिला था। अब ज़ेनोबॉट को बनाया जाता है फ्रॉग के हार्ट टिश्यूज और स्किन टिश्यूज से। अब स्किन टिश्यू इसके लिए ना हार्ड टिश्यू का काम करेगा, और ना हार्ड टिश्यू इसके लिए सॉफ्ट टिश्यू का काम करेगा, क्योंकि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को चलने फिरने के लिए ना एक हार्ड सपोर्ट चाहिए और एक सॉफ्ट सपोर्ट भी चाहिए। इसलिए इसमें हार्ड सपोर्ट भी और सॉफ्ट सपोर्ट भी है। अब हम लोग इसे बनाया गया है कंप्यूटर द्वारा। तो अब कंप्यूटर को पहले हम लोग ये डाटा देते हैं एलोथीग्राम के द्वारा कि हम लोग को किस तरह का रोबोट, किस तरह का चाहिए ज़ेनोबॉट। अब कंप्यूटर लेता है हमारा डाटा, फिर उसको सिमुलेशन करता है कि कितने तरीके ऐसे बन सकते हैं, फिर हम लोग को रिजल्ट देता है। अब हम लोग वो उसको ऐसे देख के ना देख लिए कि क्या है हमारा एलोथीग्राम, क्या स्टेप्स है। अभी हम लोग इसको ब्लूप्रिंट को देख के बना लिया। अब बना लिया ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हम लोग ना वही ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्टीज डाल के दोबारा से एलोथीग्राम बना दें और उसको कंप्यूटर में फीड दे दें। अब फिर से वो प्रोसेस सिमुलेशन करेगा और इस पर वो और रिफाइंड आंसर देगा। तो हम लोग जितनी बार डाटा इनपुट करेंगे उतनी बार वो रिफाइन करते जाएगा। अब इसका बिहेवियर की बात करें तो ये बिहेवियर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले ही बताया था ना कि ज़ेनोबॉट, ज़ेनोबॉट मतलब बायोलॉजिकली बेस्ड रोबोट्स। अब रोबोट्स का नाम तो सुन के आप यही समझते होगे कि ना इंसान के द्वारा प्रोग्राम दे, इस पर कोई अपनी अकल तो होती नहीं है। और अगर आप बोल रहे हो AI क्या हुआ, AI में तो खुद की अकल है। तो ये एक जगह से तो हम लोग ही फीड डाले हैं ना कि ये करना है, इस इमोशन पे ये रिएक्ट करना है। वैसे ही ज़ेनोबॉट में भी हम लोग ना कमांड डालते हैं कि ना बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब इतने सब करने के बाद जो हमारा रोबोट बनता है तो ज़ेनोबॉट, तो फिर इसके सुपर कंप्यूटर ये भी बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। अब सुपर कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ तो सारी सही रहती है, पर जितनी इसमें प्रॉपर्टीज डाले बताता है उससे ज़्यादा इसमें अननोन फीचर्स आ जाते हैं कि कोई ज़ेनोबॉट एक जगह पर घूम रहा है, कोई ज़ेनोबॉट एक ही जगह पर स्प्लिट कर दे रहा है, वापस जुड़ जा रहा है। तो ये फील्ड में तो नहीं था तब कहाँ से आया। तो ये कुछ ग्लिचेस हो रहे हैं जिन कारण से हम लोग का अभी ये आया नहीं है। अब फ्यूचर की तो ये अभी बहुत ही अनलिस्टेड है, मतलब समझ रहे हो 2020 में ही खाली शुरू हुआ और अभी हम लोग का सोच तैयार हो जाएगा। नहीं तो अभी इसको लगेगा कम से कम 40-50 साल तो आराम से लगेगा हमारे ह्यूमन यूज के लिए। और इसके हम लोग को इमर्जेंट बिहेवियर को रिड्यूस करना होगा। इमर्जेंट बिहेवियर एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसमें ना एक सेल बाकी सारे सेल से अलग बिहेव करता है। तब हम लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि ना एक सेल ना कुछ और काम करे जो हम लोग को नहीं चाहिए और जो फीड किया गया है वो नहीं, इसलिए हम लोग ये भी रिड्यूस करना होगा। होप करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।